जब भी हमारी जीभ को कुछ अलग स्वाद चाहिए होता है, चेंज चाहिए होता है, तो हम बाहर की तरफ जाते हैं, जैसे ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल के अंदर। लेकिन अगर वही खाना आपको घर पे मिल जाए तो इससे बेहतर हो क्या सकता है। तो आज बिल्कुल सेम वैसी ही खुशबू वाला खाना हम घर पे बना रहे हैं, तो चलिए मिलके बनाते हैं। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ बूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनर्स किचन में। इस रेसिपी का जो बेस है टमाटर, प्याज और थोड़ी सी शिमला मिर्च, लेकिन काटना कैसे है, डालना कैसे है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे शिमला मिर्च काट लेंगे। ये शिमला मिर्च थोड़ी सी बड़ी लग रही है मेरे को, अगर आपके पास में थोड़ी छोटी हो तो छोटी का इस्तेमाल करना। मैं यहाँ पे आधी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आधी में रख देता हूँ। टमाटर काटने का अंदाज़ यह है, इसकी आइज़ निकाल दीजिए यहाँ पे, और इसको 1/2 काटना है इस तरह से। जो खट्टे टमाटर होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसी तरह से हम प्याज भी काट लेंगे। सबसे पहले जो व्हाइट पार्ट है इसको हटा लेते हैं यहाँ से, और प्याज को भी इसी तरह से काटेंगे 1/2। यहाँ पे लिया मैंने एक तवा, क्योंकि तवे में हम पकाने वाले हैं और तवे का स्वाद जो आने वाला है वही इस रेसिपी को आगे तक लेके जाएगा। तो लिया मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को सेट करना है। गैस की फ्लेम को कम कर दीजिए। इसी तरह से कैप्सिकम भी यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पे जो हम कुकिंग कर रहे हैं ये तवे वाली कुकिंग कर रहे हैं, इसमें तवे का स्मोक आएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है। अब इनको भी टर्न कर लेते हैं, ओनियन कैमलाइज हो गई है यहाँ पे। हो सके तो आयरन तवे का इस्तेमाल करें। ये बीच वाले हो गए, इनको हटा देता हूँ, पीछे से कलर आ गया ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्याज भी अच्छी तरह से कैमलाइज हो गए हैं। जलाना नहीं है इनको ज़्यादा, और इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो प्याज और टमाटर हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये 50% पक भी गए हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा था इनको स्मोक करने का वो हमने कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके निकाल देंगे इनको, जैसे जैसे हो गए हैं। प्याज टमाटर हो चुके हैं यहाँ पे ठंडे। अब ये जो ज़्यादा काला हो गया ना, ये वाला देखिए, कई बार क्या ज़्यादा काला हो जाता है, उसको हटा दीजिए। और टमाटर का जो छिलका है, अगर वो भी हटाना चाहें तो उसको भी हटा सकते हैं आप, आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है, क्योंकि गर्म हो गया ना ये। अब यहाँ पे करेंगे हम ग्राइंडिंग। तो सबसे पहले मैंने लहसुन ले लिया है, 10-12 लहसुन की कलियाँ हैं, 2-3 हरी मिर्च है। ये मोटी वाली है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये रहा 2 इंच अदरक का टुकड़ा। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च का जो हमने तैयार किया था वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। सभी को मिक्स करके पीसना है। तो यहाँ पे एक फाइन पेस्ट रेडी हो चुका है, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इस पेस्ट में। हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और जो स्मोकी फ्लेवर है वो तो बहुत ज़बरदस्त यहीं पे आ रहा है, और पकने के बाद तो और शानदार आने वाला है। यहाँ पे मसाला घोलते हैं। तो सबसे पहले मिर्ची पाउडर डाल रहा हूँ, ये लाल मिर्च पाउडर है कश्मीरी वाला, इसमें स्पाइसनेस कम होती है, कलर बड़ा प्यारा आता है। जीरा पाउडर, कच्चा जीरा पाउडर है 1.5 छोटा चम्मच। ये बेस पाउडर होता है, जैसे धनिया पाउडर हम डालते हैं ना उसी तरह जीरा पाउडर डाला जाता है। ये रहा धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच, ये भी बेस पाउडर होता है मसाले का। और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इसमें डालते हैं पानी और इसको बनाते हैं एक बढ़िया सा पेस्ट। यहाँ पे लिया मैंने पनीर 200 ग्राम, इसको कटिंग कर लेंगे इस तरह से कि आराम से इसको हम ग्रिल कर सकें। हम ग्रिल कर रहे हैं, आप फ्राई नहीं कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं। अभी तो मैं बड़ा बड़ा काट रहा हूँ, बाद में इसको छोटा और कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ग्रिल करने के लिए वापस एक तवा लिया है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल जिससे कि चिपकेगा नहीं इस पे। आप चाहे तो नॉन स्टिक पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का सा जब गर्म हो जाए उसके बाद ही पनीर डालना है। अभी ठंडे में डाल दोगे तो पनीर एकदम से चिपक जाएगा इस पे। तेल भी गर्म हो गया है, तवा भी गर्म हो गया है, फटाफट से पनीर को यहाँ पे ग्रिल कर लेते हैं। तो टर्न कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा कलर आया है इसमें, दोनों तरफ से बढ़िया सा कलर आ गया है। अब इसको जल्दी से निकाल लेंगे, अगर इसको ज़्यादा करेंगे ना तो सख्त हो जाएंगे। और एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस इसके साथ में किया जाता है, वो भी आपको बता देता हूँ मैं। पहले इन पनीर को मैं छोटा छोटा कर लूँगा। सबसे पहले इसके छोटे छोटे पीस कर लेते हैं इस तरह से 1/4। आप चाहें तो नाइफ से भी कर सकते हैं। अब मैं नाइफ से इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चॉपिंग बोर्ड पे रखूंगा तो तेल तेल हो जाएगा ना, इससे जल्दी जल्दी हो रहा है। शैलो फ्राई करो या फिर डीप फ्राई करो, इनको पानी में डाल दो, इससे ये हार्ड नहीं होंगे। इसको फ्राई करके आप पानी में इस तरह से फ्रिज में भी रख सकते हो, कम से कम 3 दिन तक खराब नहीं होंगे, शेफ लोग ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, सबसे पहले डालेंगे इसमें तेल, लगभग 3 बड़े चम्मच तेल डाल रहे हैं यहाँ पे। तेल यहाँ पे गर्म हो गया तो सबसे पहले तेजपत्ता डालेंगे, इसी के साथ में एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 2-3 काली मिर्च और लौंग डाल दिया है। हल्का सा इसको तड़कने दीजिए, जब तक इसकी खुशबू नहीं आएगी ना तब तक कोई फायदा नहीं है डालने का। 1 छोटा चम्मच जीरा तड़का लेंगे यहाँ पे, और जैसे जीरा तड़क जाए 1 बड़ा चम्मच बटर डाल देंगे। अब बटर मैंने यहाँ पे क्यों डाला, बटर को जब इस तरह से हल्का सा बर्न किया जाता है एक नटी फ्लेवर आता है, स्मोकी फ्लेवर आता है। अगर बटर को लास्ट में डालते हैं उसका फ्लेवर अलग होता है, इस तरह से डालिए तो एक स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। बटर जलेगा नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी तेल डाला हुआ है। ये गया मसाले का पेस्ट, गैस की आंच को कम कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मसाले को पकाते हुए लगभग 2-3 मिनट हुआ है, मसाला पूरी तरह से पका नहीं है अभी। उससे पहले हमको डालना होगा यहाँ पे टमाटर का जो पेस्ट हमने पहले से तैयार किया हुआ था, अब ये भी पकेगा और मसाला भी साथ में पकेगा। अब कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो ग्रेवी होती है ना ये बाहर की तरफ छींटे मारती है, इसलिए इसको ढक के पकाना होगा, तो आराम से पकेगी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है।
मैंने किसी भी तरह का पानी अभी तक ऐड नहीं किया है और पानी ऐड भी नहीं करना है। अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो क्या होगा, छींटे छींटे हो जाएंगे और इसको पकाना मुश्किल काम हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेवी भी पकती रहेगी और मटर भी पकते रहेंगे। ये फ्रेश मटर हैं, ये भी इसके साथ में भुन जाएंगे। ये गया नमक, इसको करते हैं कवर और तसल्ली से दूसरा काम करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेवी को पकते हुए हो गए लगभग 15 से 20 मिनट और बीच बीच में हमने इसको स्टर भी करते रहे, ऐसे नहीं छोड़ना है क्योंकि ग्रेवी लग जाएगी। ये देखिए यहाँ पर रोगन दिखने लग गया है ना, बढ़िया सा कलर भी डार्क हो गया, इसका रंगत भी बढ़िया आ गई है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पे ग्रेवी गाढ़ी हो गई है तो थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे, उबलता हुआ गर्म पानी। अब यहीं पे हम पनीर डाल देंगे जिससे पनीर भी गर्म हो जाएगा हमारा और थोड़ी सी ग्रेवी को एब्जॉर्ब भी कर लेगा। ये रही कसूरी मेथी, इसको हाथों से हल्का सा क्रश किया और ये है रोस्टेड। ये गया 1/4 छोटी चम्मच से भी कम गरम मसाला नाम का। सबसे पहले मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छी तरह से। इसमें किसी भी तरह का काजू मगज हमने कुछ भी नहीं डाला है। टमाटर की ग्रेवी है, हल्का सा खट्टापन हो सकता है तो दो काम हो सकते हैं इसमें। कुछ दाने चीनी के, मीठा नहीं करना है, इससे बैलेंस होता है। उसके अलावा आप इसके अंदर क्रीम भी डाल सकते हैं। ये गई क्रीम, क्रीम नहीं हो तो आप घर की जो मलाई होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और धनिया तो जाना ही जाना है श्रद्धा अनुसार। और ये देखिए शानदार मटर पनीर बन के तैयार हो गई बिना मेहनत के। ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, प्याज भूनना फिर टमाटर भूनना नहीं, कुछ नहीं। टेस्ट इसका ढाबा रेस्टोरेंट सबको फेल करेगा क्योंकि इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। एक कोयले वाला नहीं है, कोयले वाला फ्लेवर होता है वो अलग होता है, इसका फ्लेवर तवे वाला आ रहा है। एक बार इस तरह से बना के देखना आपको मज़ा आ जाएगा। मटर पनीर की सब्जी इस तरह से बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर है, मेहनत भी कम है। इसको आप सर्व कर सकते हैं किसी नान के साथ में या फिर किसी पराठे के साथ में।